नमस्कार दोस्तों, गर्भ नियंत्रण, कॉन्ट्रासेप्टिव एंड होम्योपैथी, इस पर आज हम कुछ बातें करेंगे। आपको मैं बताऊंगा क्या होम्योपैथी में कॉन्ट्रासेप्टिव्स आती हैं जिससे आप गर्भ नियंत्रण कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं कुछ जानकारी दूंगा आपको। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गर्भ नियंत्रण करना, फैमिली प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश के पॉपुलेशन को देखते हुए। हम में से काफ़ी सारे लोग कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऐसी चीज़ होती हैं जो कि फिजिकली या ड्रग रिलेटेड होती हैं और जिससे गर्भ नियंत्रण किया जा सकता है। फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे कि कॉन्डम, उसमें मेल कॉन्डम भी आता है, फीमेल कॉन्डम भी आता है और टीज आते हैं। और जो केमिकल या ड्रग रिलेटेड कॉन्ट्रासेप्टिव हैं जैसे कि माला डी, माला एन, ज़्यादातर फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ होते हैं, कभी कभी केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ होते हैं। होम्योपैथी में कॉन्ट्रासेप्टिव हैं कि नहीं? दोस्तों, होम्योपैथी में कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। कुछ मेडिसिन हैं जो एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ की जाती हैं, काफ़ी सारे डॉक्टर्स देते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि हर कॉन्ट्रासेप्टिव के एक परसेंटेज होता है। परसेंटेज क्या है? परसेंटेज वो है कि जिस परसेंटेज में जो है वो असरकारी है। मतलब मान लीजिए कि आपने एक मेडिसिन ली, 100 लोगों को मेडिसिन दी और 100 लोगों में से अगर 60 लोगों को वो मेडिसिन असर की और उनके बच्चा नहीं हो रहा है रेगुलर कॉन्टैक्ट के बाद, तो मतलब वो मेडिसिन 60% इफेक्टिव है। और मान लीजिए कि अगर कोई मेडिसिन आपने दी और 80-85% वो इफेक्टिव है या 90-90% वही इफेक्टिव है, तो फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव अप्रोक्स 95% इफेक्टिव होते हैं। कभी कभी डैमेज होने के कारण इफेक्टिवनेस उनका ख़त्म हो जाता है। जो आप केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं वो लगभग 70-75% इफेक्टिव होते हैं। और जो होम्योपैथिक कॉन्ट्रासेप्टिव है, मोस्टली इसमें जो मेडिसिन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे जो इफेक्टिव मेडिसिन है वो है नेट्रम्यूर। लास्ट में लेने का तरीका भी बताऊँगा। सबसे पहली मेडिसिन है नेट्रम्यूर, दूसरी मेडिसिन है पल्सेटिला, तीसरी मेडिसिन है सिकल कॉर। तो ये तीन मेडिसिन एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन यूज़ की जाती है होम्योपैथी में। तो नेट्रम्यूर इफेक्टिव है लगभग 55% और पल्सेटिला इफेक्टिव है लगभग 35% और सिकल कॉर इफेक्टिव है लगभग 25%। तो सिकल कॉर और पल्सेटिला को हम हटा देते हैं, सिर्फ नेट्रम्यूर के बारे में बात करते हैं। नेट्रम्यूर जो है वो काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया और काफ़ी रिजल्ट्स अच्छे मिले। तो मेरे क्लिनिक से भी काफ़ी सारे पेशेंट खुद आके नेट्रम्यूर ले गए हैं और मुझे लगभग 8-9 पेशेंट ऐसे मिले हैं जो कि नेट्रम्यूर यूज़ करते हैं और जिससे उनको गर्भ नियंत्रण करने में बहुत मदद मिल रही है। तो 8-9 पेशेंट हैं मेरे क्लिनिक में जो नेट्रम्यूर यूज़ करते हैं और सभी के सभी एक ही तरह से नेट्रम्यूर यूज़ करते हैं। बहुत ही आसान है नेट्रम्यूर को यूज़ करना एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इसका जो रेट है वो आप हमेशा समझ लीजिए कि 50-55% है। तो मुझे लगता है कि फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बाई चांस कभी छूट गया या बाई चांस कभी कोई दिक्कत हो गई तो वो उस समय नेट्रम्यूर से कवर हो जाएगा। तो नेट्रम्यूर आप यूज़ करें लेकिन फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव भी आप यूज़ करते रहें। तो अब नेट्रम्यूर कैसे यूज़ करना है? नेट्रम्यूर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आप 200 पोटेंसी में महीने में मंथली सिर्फ एक बार लेना है। तो बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करना, आपको सिर्फ एक बार लेना है। तो एक डेट डिसाइड कर सकते हैं आप, और मुझे लगता है कि जो डेट होनी चाहिए वो आपके जो लास्ट डेट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है उसमें प्लस 7 कर दीजिए और उस डेट पर आप मेडिसिन ले लीजिए। तो मान लीजिए एक ए नाम की फीमेल है और उनका मेंसेस की जो ब्लीडिंग है वो 1 तारीख की महीने को ख़त्म हो गई है, मतलब ब्लीडिंग बंद हो गई है। उसके बाद 1 से लेकर 7 दिन प्लस करेंगे तो 8 तारीख आता है और 8 तारीख को नेट्रम्यूर 200 दो बूंद पीना है और खाली पेट पीना है। बस इतना ही करना है, फिर ऐसा ही हर महीने
करना है, हर महीने दोहराना है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। तो 50% या 55% भी रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन आपको फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव भी इसके साथ यूज़ करना चाहिए अगर आपको परफेक्ट एक फैमिली प्लानिंग करके चलनी है, क्योंकि नेट्रोम्यूर के किसी भी तरह के साइड इफेक्ट नहीं है। महीने में सिर्फ एक बार लेना है और आपको जैसे कभी कभी माला डी या माला एन लेने से कुछ साइड इफेक्ट्स दिखते हैं, जैसे कि शरीर फूल जाता है और थकान सी लगती है, ये सब कुछ साइड इफेक्ट्स कभी कभी किसी किसी फीमेल्स में दिखते हैं और वो नहीं ले पाती केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो नेट्रोम्यूर आपके लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन रहेगी और आप महीने में सिर्फ एक बार दो बूंद पीछे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये मेडिसिन आप SBL या WSI या डॉक्टर रेप्वे की पैक्ड यूज़ करिएगा, जिससे आपको पता रहे कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं वो सही मेडिसिन ले रहे हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिखाए तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाए तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज रिलेटेड वीडियोज लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दिखे तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।